हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो क्लास नाइन्थ में अपना नया चैप्टर देख रहे हैं। बहुत ही छोटा सिंपल सा चैप्टर है, इसके बाद ग्राफ्स पे आ जाएंगे। तो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जहां पे लास्ट क्लास में एक तरीके से इंट्रोडक्शन कह लो या कह लो चैप्टर का मेन कंसेप्ट थीम, चैप्टर किस चीज पे बना है, जो बेसिक चार पांच चीजें थी उसको हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। वो लेक्चर आप जरूर देखना, वहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, थ्योरम क्या है, कोरोलरी क्या है, सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। उसको मैंने बहुत अच्छे से एक एक करके कोरिलेट करते हुए, आपको रियल लाइफ से रिलेट करते हुए हर कुछ डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर अब आता है यूक्लिड एक्सियम्स, ठीक है, कि यूक्लिड ने क्या क्या एक्सियम्स दिए। एक्सियम्स की डेफिनेशन क्लियर है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अब यूक्लिड ने क्या क्या बोला, तो यूक्लिड ने जैसे क्या क्या एक्सियम्स दिए थे, तो देखो नंबर वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। इस चीज को आप ऐसे समझो, सिंपल, मान लो मैं कह रहा हूं कि ए बी के इक्वल है, फिर मैंने कह दिया बी सी के इक्वल है, तो यहां से मैं एक चीज डिड्यूस कर सकता हूं। कभी ये चीज ऑब्जर्व की, देखो जो मैं लिख रहा हूं ये चीज देखो यहां से। अब जब आपने डेफिनेशन वहां पे अच्छे से समझ ली ना, अब हर चीज आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये होता था इसी वजह से ऐसा है। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि कभी भी ऐसी चीजें होती थी हमारे मैथमेटिक्स में, जो भी हमने अभी तक नाइन्थ में पढ़ा, तो कई बार ऐसा कुछ हमें मिला कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम लिख देते थे, इसको मान लो वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते थे, तो हम लिख देते थे क्या, फ्रॉम वन एंड टू हम डायरेक्टली लिख देते थे, क्या लिख देते थे कि ए सी के बराबर है। कभी आपने उस समय अपने आप से सवाल किया कि सर ये ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल देते हैं, खुद देखकर समझ में आता था ना कि एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, तीसरी चीज भी दूसरी चीज के बराबर है, तो अगर पहली चीज दूसरी चीज के बराबर है, तीसरी चीज भी दूसरी चीज के बराबर है, तो पहली और तीसरी चीज तो आपस में बराबर होगी ही होगी। यहां पर हम कोई प्रूफ नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, एक्सियम पोस्टुलेट जैसी चीजें हैं, यूक्लिड्स एक्सियम, एकदम सेम चीज इसने लिखी है। यूक्लिड ने ये वाली चीज बहुत पहले खोज ली, क्या खोज लिया कि जो चीजें क्या है, सेम चीज के इक्वल है, वो आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होगी ही होगी। यानी अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो यहां से मैं इजिली ये डिड्यूस कर सकता हूं कि ए बी सी के बराबर होगा। यह था यूक्लिड का पहला एक्सियम। दूसरा एक्सियम देखते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, इक्वल्स को अगर इक्वल से ऐड करेंगे तो जो होल मिलेगा वो भी इक्वल होगा। इस चीज को ऐसे आप समझो, अगेन ए बी के बराबर है और मान लो मैं कह रहा हूं सी डी के बराबर है, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें मैंने आपको बोल दी। अब मैं कह रहा हूं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल को अगर इक्वल से ऐड करेंगे तो होल भी जो आपस में मिलेंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए प्लस सी बी प्लस डी के बराबर होगा। अगेन आपने कभी यहां पे पूछा, इस तरह की भी चीजें आपने की, कभी आपने अपने आप से ये पूछा, क्या पूछा कि इसको सर आपने किसी तरीके से प्रूफ तो नहीं किया, ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख दिया, क्यों, एक्सियम है, इफ इक्वल वन इक्वल इज एडेड टू अनदर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स, जो होल मिलेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ये इसका दूसरा एक्सियम था। तीसरा देखते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगेन सेम चीज है, इक्वल्स को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो भी इक्वल होगा। इक्वल्स को अगर आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, इक्वल को अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, अब यहां पे प्लस के बदले माइनस कर दो, अगर इक्वल को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो भी क्या होगा, सिंपल इक्वल होगा। क्लैरिटी है। आगे देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें आपस में एक दूसरे पे कोइंसाइड होती है ना, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कई बार आपने जैसे देखा होगा, क्या देखा होगा कि ये जो कोइंसाइड वर्ड है ना, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो वहां पर आप ऑब्जर्व करना, जब हम बोलते हैं कभी भी ना कि एक चीज दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, तो हम किसी ना किसी तरीके से उनके इक्वल होने की बात कर देते हैं, अलग अलग तरीके से उनके क्या करते हैं, इक्वल होने की बात कर देते हैं। जैसे मान लो कई बार हम कहते थे कि
कुछ कुछ चीजें हम जब प्रूफ करते थे तो दो पॉइंट अलग अलग मानते थे, पी और क्यू को अलग अलग मान के एक मान लो थ्योरम प्रूफ करने की कोशिश करते थे, और लास्ट में क्या हो जाता था, पी और क्यू कोइंसाइड कर जाते थे, एक ही पॉइंट हो जाते थे, तो हम क्या बोल देते थे, पी एंड क्यू कोइंसाइड्स, हेंस दे आर सेम पॉइंट्स। तो सेम पॉइंट्स कहने का क्या मतलब है, दोनों इक्वल ही तो है, कोई फर्क नहीं है दोनों पॉइंट में। और यह चीज कंसेप्ट आगे जाके कहां, कंग्रुएंसी में यूज हुआ, कि एक फिगर अगर दूसरे फिगर के ऊपर सुपर इंपोज हो जाता था तो हम उनको कंग्रुएंट कह देते थे। कंग्रुएंट क्या है, एक तरीके से इक्वल कहना ही है, एक तरीके से, एक सर्टेन तरीके से क्या है उसको, इक्वल कहना ही है। तो जो चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। आगे देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये चीज तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की कि पूरी चीज हमेशा अपने हिस्से से ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है ना, सिंपल एग्जाम्पल से समझो कि एक सेब है, ठीक है, एक सेब है, सेब को मैंने इतना काट दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो जो पूरा का पूरा सेब होगा वो इतने हिस्से से तो बड़ा होगा ही होगा ना, पूरा का पूरा सेब इस हिस्से से भी, इस हिस्से से भी बड़ा होगा। इसको मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल से भी समझाया था कि एक बड़ा सा एंगल है, उस एंगल का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा, एक छोटा सा एंगल ले लूंगा, तो पूरा का पूरा एंगल मेरा हमेशा छोटे वाले एंगल से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है ये, ऑब्वियस ही बात है। इस चीज को और सिंपल कैसे समझो, पांच क्या, मान लो मैंने लिख दिया 2+3, पांच दो पार्ट से बना है, 2+3 तो ऑब्वियस ही पांच है, पांच दो से भी बड़ा है, पांच तीन से भी बड़ा है, क्लैरिटी है। और उसने क्या कहा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक तरीके से ये नंबर वन पॉस्टुलेट की तरह है। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहां पर, मान लो इस तरीके से लिख दिया कि ए इज इक्वल टू टू बी, सी इज इक्वल टू टू बी, थिंग्स विच आर इक्वल टू डबल ऑफ द सेम थिंग, बी के डबल के इक्वल ए भी है, बी के डबल के इक्वल सी भी है। तो यहां से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं, फ्रॉम वन एंड टू आई कैन इजिली से दैट ए एंड सी आर इक्वल, तो कुछ ज्यादा अलग नहीं है, एक तरीके से क्या है, नंबर वन पॉस्टुलेट ही है, थोड़ा वराइटी आ गई इसलिए इस तरीके से बोल दिया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, थिंग्स विच आर ट्रिपल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, वो आपका एक्सियम हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वन और सिक्स में, लेकिन उसने ठीक है अलग तरीके से इसको बोल दिया। आगे, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगेन यहां पे टू बी को बी बाई टू कर दो, मान लो मैंने क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू बी बाई टू, सी इज इक्वल टू बी बाई टू, तो बी के आधे के बराबर क्या है, ए है, सी के आधे के, बी के आधे के बराबर सी भी है, तो बी के आधे के बराबर ए भी है और सी भी है, तो दोनों के आपस में बराबर नहीं होंगे, जी बिल्कुल होंगे, क्या हो गया, बस यही इसका एक्सियम बन गया। तो 6, 7 और 1 एक तरीके से कह सकते हो सेम टाइप का ही एक्सियम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, यहां का नंबर बदलते जाओगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो ये रिलेशन भी चेंज होता जाएगा। क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर है। तो यहां पे इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि यूक्लिड ने क्या क्या एक्सियम्स दिए थे, तो कितने टोटल उसने 7 एक्सियम दिए जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो यूक्लिड के, अब देखो इसके पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो मैथमेटिक्स में क्या, कि अगर मान लो ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है, ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं, ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल है, और उसके बाद क्या बोला गया है, रेक्टेंगल के एरिया स्क्वायर के एरिया की इक्वल है, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया की इक्वल है। तो यहां से मैं एक चीज बहुत इजीली कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि ट्रायंगल का एरिया भी स्क्वायर के एरिया की इक्वल होगा। क्लैरिटी है, बस वही वाला यूक्लिड ने जो कंसेप्ट लगाया था नंबर वन में कि अगर ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, बस उसी पे ये कहानी बोल दी गई है। और इस चीज को आप कई बार यूज करते हो, आपने याद करो एरिया एंड पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में इस टाइप के कंसेप्ट को यूज भी किया है, कई बार यूज किया इस टाइप की चीजें। तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे यूज करते आ रहे हो जहां पे आपको कुछ डाउट रहा होगा कि इस चीज को डायरेक्टली सर बोल देते हैं, कभी कभी किसी चीज को प्रूफ करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, उसका वही रीजन है, एक्सियम है, पोस्टुलेट है, थ्योरम है, बेसिकली तीन चीजें ही है, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम। उसको और छोटा चाहो तो कर दो, तो समझ लो बस एक्सियम पोस्टुलेट को एक ही मान लो, तो मान लो एक्सियम ही बोल रहा हूं मैं, तो एक्सियम और थ्योरम, बस
उतने पे पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो जो चीजों को प्रूफ की जरूरत होती है वो थ्योरम बन जाता है, जिसको जरूरत नहीं होती वो एक्सियम बन जाता है। क्लैरिटी है? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब देखो इस चीज को समझो, सेम काइंड कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल को समझो। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, 3 = 3 तो ये बात सही है, 3 = 3 मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये सेम काइंड की चीज है। अब सेम काइंड डिफरेंट काइंड क्या होगा इस चीज को समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 kg = 3 m/s, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, काइंड सेम नहीं है, ये वजन है, ये वेट है या मास है जो भी कहो, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी है। तो कभी भी वेट और वेलोसिटी सेम चीज नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर दोनों के सेम है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों सेम चीजें हैं। तो इस चीज को भी कई बार मैंने डिस्कस किया है, जहां पर मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चीजें अलग अलग है, तो आप यह कभी नहीं कह सकते कि 3 kg 3 m/s के बराबर है। हां आप यह कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि ये भी 3 है वो भी 3 है। तो ये कहना सही है, ये कहना एब्सोल्युटली गलत है। यही यहां पे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड। हां आप ऐसा कह सकते हो कि 3 kg = 3 kg, आप ऐसा बोल सकते हो, या सिंपली आप कैसा बोल सकते हो 3 kg = 3000 g, आप ऐसा बोल सकते हो कि हां 3 kg 3000 g है, दोनों वजन ही है, तो सेम काइंड के मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सेम काइंड। यही है क्या सेम काइंड होना या डिफरेंट काइंड होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपने कई बार ये भी यूज किया है कि हर चीज अपने आप के बराबर होती है। हर चीज क्या है, अपने आप के बराबर है, सिंपल है। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं a = a तो क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं लिख रहा हूं b = b तो क्या ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है। हर चीज अपने आप के बराबर होगी ही होगी। आगे देखो, अगर a b से बड़ा है देन देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी c सच देन a इज इक्वल टू b प्लस c। क्या कह रहा है यहां पे इस बात को समझो, इस एग्जांपल ने कहा कि जैसे मैं से मान लो मैंने देखो इस एग्जांपल को एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा, अब यहां पे देखो जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिखा 5 3 से बड़ा है, सही बात है, 5 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन एक क्वांटिटी जरूर एग्जिस्ट करेगी सी, और वो क्वांटिटी क्या है मान लो 2, जिसको तुम 3 में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कोई चीज किसी चीज से जरूर बड़ी होती है लेकिन इनके बीच का जो फर्क है उस फर्क को जोड़ दोगे तो वो बड़ी वाली चीज अपने आप निकल के आ जाएगी। यही यहां पे बोल रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है तो एक क्वांटिटी सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर तुम बी में ऐड कर दोगे तो ए के बराबर आ जाएगा। क्लैरिटी है? तो यूक्लिड का एक्सियम से ही ये कुछ एग्जांपल्स हम मैथमेटिक्स में कई बार यूज करते हैं। क्लैरिटी है? अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, तो यहां पे हमने यूक्लिड एक्सियम्स देख लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूक्लिड के जो 5 postulate थे उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में डाउट रह गया हो, क्लियर नहीं हुआ हो कि यूक्लिड एक्सियम कोई सा क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो लेक्चर एक बार देखें। ठीक है, तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट अवर साइट। थैंक यू।